हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए 2018 के टॉप 30 पुरस्कार सम्मान और अवार्ड से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है इसलिए आप इस वीडियो को स्किप ना करें लास्ट तक जरूर देख लें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको डेली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे यदि इस वीडियो से आपको हेल्प मिले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके चलिए तो फिर दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा वर्ष दो के लिए इस्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो दोस्तों 2017 दो के लिए इस्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया है ममता बनर्जी को यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और ममता बनर्जी दोस्तों ये पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और बात करें अगर नीतीश कुमार की तो ये बिहार के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर ये हरियाणा के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में गवर्नर कौन है केसरी नाथ त्रिपाठी और वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है कोलकाता ठीक है तो आप याद रखिएगा दो के लिए स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार के सम्मानित किया गया ममता बनर्जी को हमारा अगला क्वेश्चन है प्रेसपा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए नोवेल शांति पुरस्कार दो हज़ार उन्नीस हेतु किन दो देशों के प्रधानमंत्रियों को नामित किया गया है तो किया गया दोस्तों ग्रीस और मैसेडोनिया के प्राइम मिनिस्टर को देखिए मैसेडोनिया और ग्रीक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जोरान रान जैव हैं और ग्रीक के एलेक्स एलेक्सिक सिप्रास ठीक है इनको दो हज़ार उन्नीस नोबेल शांति पुरस्कार के नामांकित किया गया है और ये क्यों किया गया है क्योंकि ये दोनों देशों के बीच प्रेसपा समझौते हस्ताक्षर हुए हैं ठीक है ये प्रेसपा समझौता क्या है तो दोस्तों ग्रीस और मैसेडोनिया के बीच सत्ताईस वर्षों चले आ रहे विवाद को लेकर इसमें जो है सुलझा दिया गया है तो इसलिए नोबेल शांति पुरस्कार दो उन्नीस नेतु इन दो देश के प्रधानमंत्रियों को नामांकित किया गया ठीक है ग्रीस और मैसेडोनिया तो याद रखिएगा नोबेल शांति पुरुष नोबेल पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं ठीक है नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा वितरित किए जाते हैं मैं आपको आगे के क्वेश्चन में बताऊंगा दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार दो अठारह दिया गया है चलिए किस भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता को हाल ही में फ्रेंच नाइट ऑफ द नेशनल आर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है तो किया गया दोस्तों अशोक अमृतराज को यानी कि इसका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा ठीक है यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए जरूर पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दो से सम्मानित किया गया है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दो अठारह सम्मानित किया गया अमिताभ घोष को यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है इसको अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार दो अठारह सम्मानित किया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।, है जरूर याद रखिएगा आपके आगामी एग्जाम से पूछा जाएगा देखिए दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार इसकी स्थापना कब हुई थी नाइनटीन में हुई थी ठीक है और आपको बता दें कि देश की मान्यता प्राप्त बाईस भाषाओं में से किसी भी भाषा के साहित्यकार के सृजनात्मक योगदान हेतु भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है और इस पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे जी शंकर कुरूप जो कि मलयालम साहित्य से थे ठीक है तो याद रखिएगा पहला और इसकी स्थापना याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है तो ये इतने पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम से जरूर पूछा सकता है ज्ञानपीठ पुरस्कार दो अठारह अमिताभ घोष अगला क्वेश्चन है दो हजार अठारह इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन विश्व चैंपियन के रूप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को चुना गया है चुना गया है दोस्तों नोवाक जोकोविच और सिमोना हेलेप को यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है देखिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने नोवाक जोकोविच और पुरुष वर्ग के पुरुष वर्ग में दिया गया है और सिमोना हालेप को महिला वर्ग में वर्ल्ड चैंपियन घोषित किया गया है ठीक है तो आप याद रखिएगा दो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन विश्व चैंपियन के रूप में किस खिलाड़ी को चुना गया है नोवाक जोकोविच और सिमोना हेलेप को ठीक है ये आप याद रखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दिसंबर 2018 में मणिपुर के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे मिथो खिताब से सम्मानित किया गया है मैरी काम को ठीक है देखिए दोस्तों मणिपुर गवर्नमेंट ने इम्फाल में एक समारोह में मिथो यानी उत्कृष्ट रानी के खिताब के रूप में विश्व महिला मुक्केबाज छः बार की गोल्ड मेडल विजेता एम सी मैरी काम को सम्मानित किया ठीक है मिथो इलीमा यानी उत्कृष्ट रानी के खिताब से सम्मानित किया गया है एम सी मैरी काम को ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा ठीक है छः बार की गोल्ड मेडलिस्ट याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रतिभागियों में से किससे मिस वर्ल्ड अठारह के रूप दो अठारह के रूप में ताज पहनाया गया है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वेनेसा डी लियोन जो कि मैक्सिको की हैं ठीक है चीन के सान्या में जो मिस वर्ल्ड अठारह आयोजित हुआ है इसमें मैक्सिको की वैनिसा डी लियोन मिस वर्ल्ड अठारा चुना गया है ठीक है तो आप याद रखिएगा दो हज़ार सत्रह का मिस वर्ल्ड कौन थी भारत की मानुषी छिल्लर जो कि हरियाणा राज्य से थी ठीक है मिस वर्ल्ड मिस वर्ल्ड पुरस्कार के बारे में आपको बता दोस्तों कि इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में ठीक है उन्नीस में ठीक है और भारत की तरफ से सबसे पहली बार मिस वर्ल्ड किसने जीता था रीता फारिया ठीक है रीता फारिया ने जीता था भारत की तरफ से पहली बार मिस वर्ल्ड खिताब रीता फारिया आप याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा आता है मिस वर्ल्ड दो आप लेटेस्ट याद रखिएगा मैक्सिको की है कंट्री याद रखिएगा वायनेसा डी लियोन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय भूमिका के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्कोच पुरस्कार प्राप्त किया है तो किया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ठीक है इसको मिला इस पुरस्कार निम्नलिखित लेखकों में से किसे हिंदी भाषा के उपन्यास श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है सुश्री चित्रा मुग्दल ठीक है यह याद रखिएगा ठीक है ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर टेंथ दोस्तों निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दो गया तो दिया गया दोस्तों आँख के लिए ऑप्शन बी प्रमुख कश्मीरी लघुकथा लेखक और प्रतिष्ठित प्रसारक मुश्ताक अहमद ने अपने लघुकथा संग्रह आँख के लिए इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है ठीक है आँख के लिए मुश्ताक अहमद याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ है निम्नलिखित में से किस फिल्म ने भारत के उनचासवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में स्वर्ण मयूर पुरस्कार जीता है डोबांस ठीक है ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है बारहवीं एशिया प्रशांत स्क्रीन अवार्ड्स में एफ आई ए पी एफ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया नंदिता दास को ठीक है ऑप्शन ए देखिए फिल्म निर्माता नंदिता दास को ब्रिस्बेन में बारहवें एशिया प्रशांत स्क्रीन पुरस्कार में एफ आई ए पी एफ पुरस्कार सम्मानित किया जा तो रखिएगा नंदिता दास ऑप्शन ए निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के तहत एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार प्राप्त किया है ठीक है दोस्तों इंडिया ने ठीक है भारत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ने सीमा पार से होने वाले पर्यावरण संबंधी अपराधों से निपटने में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए यह दिया गया है ठीक है ब्यूरो को इसमें एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार दो सम्मानित किया गया है ठीक है ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा भारत अगला क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस शख्स से अपने द्वारा दिए गए उच्चतम सम्मान को वापस ले लिया है तो ये दोस्तों ऑंग सान सू की ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है आंग सांसूकी भारत की प्रेस काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय पुरस्कार दो अठार अगले किसे चुना गया है चुना गया है दोस्तों एन राम को ऑप्शन सी ठीक है भारत की प्रेस काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय पुरस्कार दो अठारह लेग किसे चुना गया है एन राम को ठीक है आपको बता दें कि प्रसिद्ध पत्रकार और द हिंदू प्रकाशन समूह के अध्यक्ष एन राम को इनको भारतीय प्रेस परिषद की ओर से राजा राम मोहन राय पुरस्कार के लिए चुना गया है एन राम को निम्नलिखित भारतीय पत्रकारों में से किसको 2018 साल का पत्रकारिता उत्कृष्टता के लिए आईपीआई इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है नम्रता बिजी आहूजा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है 2018 ग्लिट्समैन ग्लिट्स मैन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया जाएगा तो ये दिया जाएगा दोस्तों ऑप्शन है मलाला यूसुफ जई को ठीक है नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुक जय को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा लड़कियों के शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनके काम के लिए सम्मानित किया जाएगा ठीक है तो आप याद रखिएगा दो हज़ार अठारह ग्लीट्समैन पुरस्कार किसे दिया जाएगा मलाला यूसुफ जई को अगला क्वेश्चन है हमारा चौबीस अक्टूबर द्वार दो को किसने वर्ष दो के लिए संस्कृत सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार जीता है जीता है, है राजकुमार सिंहजीत सिंह ऑप्शन सी राजकुमार सिंहजीत सिंह ने मरणोपरांत वर्ष दो के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार सम्मानित किए गए पाकिस्तान के प्रतिष्ठित मानवाधिकार कार्यकर्ता तथा वकील का नाम क्या है असमा जहांगीर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है असमा जहांगीर दो में साहित्य में जेसीबी पुरस्कार किसने जीता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेनियामीन ऑप्शन डी ठीक है मलयालम लेखक है बेनयामीन ने पहला जेसीबी पुरस्कार दो जीता है इन्होंने अपनी पुस्तक जैसमीन डेज के लिए इस पुरस्कार जीता ठीक है इनकी पुस्तक याद रखिएगा जैसमीन डेज ठीक है तो 2018 में साहित्य में जैसी भी पुरस्कार पहला जैसी भी पुरस्कार जीता है मलयालम लेखक वेन्या ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सियोल शांति पुरस्कार दो किसे दिया जाएगा तो दिया गया दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑप्शन बी ठीक है देखिए मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सियोल शांति पुरस्कार दो दिया गया है ठीक है ऑप्शन बी ऊर्जा नीति में योगदान के लिए चौथे वार्षिक कर्नाट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया किया गया दोस्तों केंद्रीय रेलवे और कोयला मंत्री पीयूष गोयल को ठीक है ऑप्शन ए इनको जो है बिजली क्षेत्र में सुधार करने के लिए पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी का शीर्ष सम्मान कर्नाट पुरस्कार दिया गया ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा पीयूष गोयल केंद्रीय रेलवे और कोयला मंत्री वर्तमान में निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे हृदयनाथ पुरस्कार दो दिया गया है सम्मानित किया गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद जहर खयाम हाशमी ठीक है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से किसने दो के लिए मयन बुकर पुरस्कार जीता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एना बंस ठीक है एना बंस को ये दिया गया है ये या आप याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सी देखिए दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार के बारे में आपको बता दें कि उन्नीस सौ उनहत्तर नाइनटीन सिक्सटी नाइन से दिया जाने वाले पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ये ठीक है ये ब्रिटेन के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे उपन्यास के लिए राष्ट्रमंडल देशों के लिए आयरलैंड और जिम्बाबे के नागरिकों के लिए प्रदान किया जाता है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी एना बंस ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने संयुक्त राष्ट्र एफ का फ्यूचर पॉलिसी फॉर गोल्ड पुरस्कार जीता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सिक्किम ठीक है सिक्किम ने आप याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है सिक्किम को मिला ये के नोबेल पुरस्कार दो अठारह निम्नलिखित में से किसे दिया गया तो ये दिया गया दोस्तों पॉल रोमर और विलियम नॉर्डहास को यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा रॉयल सूडिस अकेडमी ऑफ इकोनॉमिक्स ने जलवायु परिवर्तन तो आर्थिक विकास पर खोज के लिए विलियम्स नोडहास और पॉल एम रोमर को 2018 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा ठीक है ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा पॉल रोमर और विलियम नोडहास को दिया गया है देखिए दोस्तों जो अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में बाकी जो पांच क्षेत्र थे अर्थ नोबेल पुरस्कार उनकी शुरुआत हुई थी उन्नीस से जबकि अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में तो आप याद रखिएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 2018 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया तो दिया गया दोस्तों डेनिस मुकवेदे और नादिया मुराद को ठीक है ये याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोबेल शांति पुरस्कार दो डेनिस मुकवेदे और नादिया मुराद को ठीक है भौतिकी के क्षेत्र में दो अठारह नोबेल पुरस्कार विजेता कौन नहीं है इनमें से कौन नहीं आपको बताना है तो इनमें से स्कोच कुमाऊ नहीं है जबकि आर्था रास्किन जेराड मैरो और डोना स्क्रिडलैंड इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी देता है ये ठीक है तो या पे याद रखिएगा अमेरिका के आर्था रास्किन को इसमें जो है ऑप्टिकल चिमटी के आविष्कार के लिए पुरस्कृत किया गया है ठीक है तो आप याद रखिएगा ऑप्शन इसका भी जो है इनकरेक्ट है मेडिसिन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया दोस्तों ऑप्शन सी जेम्स पेलिसन और ताशुको होंजो को ठीक है मेडिसिन के दो अठारह नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार संयुक्त रूप से अमेरिका के जेम्स पेलिसन e. और जापान के तौशकू होंजो को दिया गया ठीक है अमेरिका के जेम्स पेलिसन e. जापान के ताशुको होंजो यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया तो ये दिया जाता है वैज्ञानिक ठीक है वैज्ञानिक काम के लिए तो याद रखिएगा दोस्तों और ये दो हज़ार का इसको मिला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को यह मिला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दो ठीक है सी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को ठीक है तो ये थे दोस्तों अवार्ड से रिलेटेड टॉप थर्टी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करें इस वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ बेलएकॉन प्रेस कर दें वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक दें मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊँगा आपको ऑल द बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए स्वस्थ रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए जय हिंद जय भारत